पर विचार करना कि शंकर भगवान की शिवरात्रि साधना की रात्रि होती है। शंकर भगवान की शिवरात्रि एक आराधना की रात्रि होती है। हमने पहले भी कथाओं में कहा हर महीने शिवरात्रि आती है, प्रत्येक महीने शिवरात्रि पड़ती है, और प्रत्येक महीने की शिवरात्रि पर अगर आपसे बन सके, आप दुनिया में अगर आपके पास में लोग कहें कि यह बहुत गरीब व्यक्ति है, बहुत साधारण व्यक्ति है, इसके पास धन नहीं है, वैभव नहीं है, सत्ता नहीं है, इसके पास खुद का मकान नहीं है, इसके पास खुद की प्रॉपर्टी नहीं है, इसके पास खुद की दुकान नहीं है, दूसरे के यहाँ काम करता है, इसके पास कुछ भी नहीं है, हम उनसे कहेंगे 12 महीने शिवरात्रि आती है, 5 जगह पर चढ़ाई हुई बेलपत्र, आप 1 वर्ष 12 शिवरात्रि का एक नियम ले लो, 5 जगह पर बेलपत्र समर्पित करना सीख जाओ, 1 बेलपत्र ये शिवलिंग, ये जलाधारी, बहुत ध्यान से देखना, ये चरण जहां से जल नीचे गिरता है, गणेश जी का स्थान, कार्तिकेय जी का स्थान, ये हस्त कमल, माता पार्वती जी का हाथ हस्तकमल, शिवलिंग, भगवान शंकर का स्थान, ऊपर से जो एक एक बूंद जल शिवलिंग के ऊपर गिर रहा है, शंकर भगवान की 5 बेटियां जया, विषहरा, शामरीबारी, दौतली, देव, बीच में जो एक मोटी सी लाइन है वो शंकर भगवान की छोटी लड़की, क्या नाम है, अशोक सुंदरी, ये पूरे शिवलिंग का वर्णन, 5 जगह पर बेलपत्र, 5 स्थान पर बेलपत्र, 12 महीने की शिवरात्रि। आप दूसरे के यहां काम कर रहे हो, नहीं है नौकरी, नहीं है काम, दूसरे के मकान में रह रहे हो, खुद का मकान भी नहीं, खुद का प्लांट भी नहीं, खुद की प्रॉपर्टी भी नहीं, बहुत संघर्ष की जिंदगी जी रहे हो, ठेला धका रहे, लौरी चला रहे, गाड़ी चला रहे, ऑटो चला रहे, अपने लिए करने का प्रयास करना। घर में जितने सदस्य हैं, 12 महीने शिवरात्रि आती है, 1 बेलपत्र अशोक सुंदरी वाली जगह पर डंडी का मुंह नीचे की ओर, दूसरी बेलपत्र माता पार्वती जी के हस्त कमल पर, ये 2 पत्ती जो होती है, इस पत्ती के 2 भाग शिवलिंग के बीच में हो, तीसरी बेलपत्र भगवान शंकर के शिवलिंग पर डंडी का भाग आपके विपरीत दिशा में हो, विपरीत दिशा, चौथी बेलपत्र भगवान शंकर का जहां से जल बहकर जाता है, जमीन पर जो जल बहता है, जमीन पे से जो जल बहकर जाता है, चौथी बेलपत्र उस जमीन के जल पर जहां से वो पानी बहकर जा रहा है, पूरे शिवलिंग को छोड़कर जहां से पानी जमीन पर बहकर जा रहा है उस स्थान पर, और 5वीं बेलपत्र नंदी का जो पांव ऊपर उठा हुआ है उस पांव के पास में 5वीं बेलपत्र समर्पित करना। 1 शिवरात्रि से लेकर 12 शिवरात्रि जो 1 वर्ष तक कर लेता है, 1 वर्ष अपनी कड़ी मेहनत के साथ में मेहनत पूरी करना, और ये 5 बेलपत्र हर महीने जो शिवरात्रि आती है उस पे समर्पित करना प्रारंभ कर दीजिए और मेहनत करना प्रारंभ कर दीजिए, आपको आपके कर्म का फल मिलेगा। के दिन आप इस भटिंडा पंजाब की पवित्र भूमि से शिव पुराण की कथा श्रवण कर रहे हैं। कहते हैं स्कंद पुराण में लिखा है और काशी खंड में वर्णन किया गया है कि भगवान की अविरल भक्ति जब शिवरात्रि आती है मार्च के महीने में, जो महाशिवरात्रि आती है उससे पहले की 2 शिवरात्रि और महा की शिवरात्रि तीसरी, कहते हैं पहली शिवरात्रि, दूसरी शिवरात्रि और माघ महीने में, महा महीने में जो सुंदर आनंद से बाबा देवाधिदेव महादेव की जो महाशिवरात्रि का स्मरण आता है, महाशिवरात्रि का पूजन होता है, तो पहली शिवरात्रि पर हम जितना दान करते हैं, पुण्य करते हैं, भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं, सत्संग करते हैं या बाबा से अपने दिल की बात करते हैं, तो तीसरी शिवरात्रि जो महाशिवरात्रि आती है तब तक मेरा बाबा आपको करोड़ों में प्रदान कर देता है और भर देता है, ऐसा क्रम है।
तो भटिंडा पंजाब के सभी श्रोता भाई बहन बड़े किस्मत वाले हैं। मैं श्री बांके बिहारी सेवा समिति भटिंडा पंजाब को साधुवाद देता हूँ। कथक के मुख्य यजमान श्री अमरजीत जी मेहता, पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन समाज सेवी भटिंडा पंजाब से, जो इस पवित्र शिव महापुराण की कथा के मुख्य यजमान बने हैं, एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत वंदन अभिनंदन, जिन्होंने इस पवित्र शिव महापुराण कथा को पंजाब तक लेकर आए और आपको और हमको श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आज भीड़ भक्तों का सैलाब थोड़ा ज़्यादा है, ग्राउंड के अंदर इतनी जगह नहीं है, कैपेसिटी से ज़्यादा भक्त इस ग्राउंड में हैं और ग्राउंड के बाहर भी आपसे ज़्यादा लोग पूरे दरवाजों पर खड़े हुए हैं। इतनी कड़कड़ाती हुई ठंड, जहाँ पारा 4, 5 और 6 पर जा रहा है, वहाँ इतने 6 पॉइंट पर पारा रहने पर, 6 का टेम्परेचर, 5 का टेम्परेचर, 4 का रहने पर आप इतने लाखों की संख्या में आए हो, ये आपके हृदय में भगवान शंकर की अविरल भक्ति है और बाबा आपकी कामना पूर्ण करे, यही बाबा से विनती है। और तेरी कृपा बिना ना हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तरो, हे गंग धार मुक्ति द्वार ओंकार तू भोले, ओंकार तू आयो शरण तिया शंभु तार तार तू, बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना पूरे, गंग धार मुक्ति द्वार ओंकार तू भोले, ओंकार तू आयो शरणिया शंभु तार तार। शिव महापुराण वर्णन करती है शिवरात्रि के, महाशिवरात्रि जब आए वो तीसरे नंबर पर कहलाए। तो यदि हम हिसाब लगाएं तो जनवरी की पहली, फरवरी की दूसरी और मार्च की तीसरी। आप जितने बैठकर कथा सुन रहे हो और जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, आप दिल से हृदय से आज बाबा की कथा में कहकर जाना और उससे प्रार्थना करना। भजन करोगे उसका फल भी ज़्यादा मिलेगा, प्रार्थना करोगे उसका फल भी ज़्यादा मिलेगा, दान कर रहे हो उसका फल भी ज़्यादा मिलेगा, भूखे को भोजन करा रहे हो उसका फल भी ज़्यादा मिलेगा। और तीसरी शिवरात्रि तक इंतज़ार करना कि तुमने 10 रुपया 5 रुपया दान किया या किसी को भोजन कराया या पानी पिलाया या तुमने स्मरण करा, तो जब महा की सुंदर आनंद में शिव महारात्रि आए, उस रात्रि का इंतज़ार करना कि बाबा ने तुमको करोड़ों में गिनती कर दिया कि नहीं दिया, बदल आनंद में देता। खाली नहीं जाता यहाँ से बाबा, अगर आप कथा सुन रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं,
भजन कर रहे हैं तो खाली नहीं जाए, आपका स्मरण खाली नहीं जा सकता। बस जरूरी नहीं कि भक्ति का दिखावा करा जाए या भजन का दिखावा करा जाए तो भगवान प्रसन्न होगा, ना ना। भजन का, भक्ति का, दान का, पुण्य का, स्मरण का दिखावा नहीं होना चाहिए। किसी को मत दिखाओ कि हम कितनी भक्ति करते हैं। जैसे लक्ष्मी को तिजोरी में छुपा कर रखा जाता है, घर की बहू बेटी को पर्दे में रखा जाता है, उसी तरह भगवान शंकर की भक्ति